हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, वीडियो में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा, जी हाँ, फॉर्म भरा रहा है इसका जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, हम उनकी बात करेंगे कि जो हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें क्या पूछा गया था उसकी हम बात करेंगे। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड का जो प्रवेश परीक्षा हुई है पुरानी, पहले जो हुई है पिछले के पिछले साल, यानी कि ये जो पेपर है वो करीब 2 साल 3 साल पहले का है। तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के विषय में, जो हिंदी एज ए सब्जेक्ट हमको करना पड़ता है या हिंदी जो हम लेते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, और एक हिंदी अनिवार्य रहता, तो ये अनिवार्य पेपर का है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये सिर्फ आपके बीएड की परीक्षा के लिए नहीं, इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश के कोई भी अन्य एग्जाम्स होते हैं उसमें भी लगभग इसी प्रकार के सारे प्रश्न पूछते हैं, चाहे वो UP SSSC के हो चाहे UP PCS के हो। तो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा इसको। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आप बताइए। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो इसमें संयुक्त व्यंजन ये नहीं है, बाकी ये है, ये है और ये है। चार संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसमें कि छा होते हैं, त्रा होते हैं, ज्ञा होते हैं और या होता है। तो ये हो गया। प्रश्न नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तो निम्नलिखित में से अग्नि तत्सम है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है, तो इसमें संबंध कारक का चिन्ह जो है आपका सी है, यानी कि रा रे री है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चार की ओर। तो देखिए क्या पूछा गया था, अंग्रेजी शब्द में टाइपिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति अनुवाद कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा प्रारूपण होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँच की ओर। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है, तो इसको बताइए आप क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बृहद और विशाल, ये दोनों बड़े बड़े विस्तृत की बात की गई है। आगे बात करते हैं तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, कंठ जो का वर्ण का होता है वो का वर्ग होता है, कंठ के बाद तालु चा वर्ग होता है, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये क्रम है, आप याद कर लीजिएगा। आपको ना याद हो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये क्रम है, आप याद कर लीजिएगा। तो तालु का क्या है, चाचा जाजा इया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सात की ओर। तो उंगली पर नाचना का अर्थ क्या होगा, उंगली पर नाचना, तो इसका सही आंसर होगा आपका किसी के इच्छा अनुसार चलना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ की ओर। तो दांतों तले उंगली दबाना, इसका क्या होना होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा आपका आश्चर्य करना, दांतों तले उंगली दबाना। प्रश्न नंबर नौ की अब यही बात कर लेते हैं। तो किस संस्थान के पूरे 25 वर्ष होने पर होने वाले उत्सव के लिए कौन सा शब्द होता है, किसी संस्था अगर 25 वर्ष पूरा कर लेती है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए सही आंसर है रजत जयंती। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है, उपसर्ग रहित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा बी क्रोध। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी अंतस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध पदक्रम होगा, इसमें से शुद्ध पदक्रम क्या होगा, तो पानी का एक गिलास लाओ सही आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या हुआ, तो इसका संयुक्त क्या होगा, राम घर गया और उसके माँ को देखा, उसने माँ को देखा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 13-11 के अंतराल पे तुक होता है। आगे बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो राम रामापति कर धनु लेहूँ यहाँ, राम रामापति कर धनु लेहूँ यहाँ, तो इसमें
कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे अनुप्रास होगा, यानी कि रा मा राम अलग अलग वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे बात करते हैं, सही वर्तनी आपको छाँटना है, तो इसकी सही वर्तनी क्या होगी, 16 की, बी होगी ज्योत्सना होगी। 17 की बात करते हैं तो कवायत्री आपको पता होगा। 18 की बात करते हैं उज्ज्वल होता है, तो इसका सही आंसर डी होगा। और 19 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा आपका छा होगा, यानी कि ए। आगे बात करते हैं पर नंबर 20 की, तो जिजीविषा, जिजीविषा, जजीविषा या जिजीविषा, तो इसका सही आंसर होगा आपका जिजीविषा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बात करते हैं तो देखते हैं अनादर, अनादर का सही विलोम क्या है। अब आपको विलोम बताते हैं, तो अनादर का सही विलोम होगा आदर। अभिज्ञ का क्या होगा सही विलोम, तो अभिज्ञ का सही विलोम होगा अनभिज्ञ। अथ का आप सही विलोम क्या होगा, अथ का सही विलोम होगा आपका इति होगा। करुणा का क्या होगा, करुणा का सही आंसर होगा आपका निष्ठुर। ऋजु का आपका सही आंसर क्या होगा, तो ऋजु का सही एक आंसर होगा वक्र। आप क्या करने हैं, तीन पर्यायवाची हैं, एक भिन्न है, तो भिन्न पर्यायवाची को आपको बताना है। देखिए उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह, इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्साह है। किसी का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। वहीं दिवस, वासर, दिन, प्रसून, तो इसका सही आंसर होगा प्रसून, नहीं होगा इसका, बाकी तीनों दिन के पर्यायवाची हैं। 28 की बात करते हैं तो कनक मतलब स्वर्ण होता है, स्वर्ण स्वर्ण ही होता है। हीरक और हेम, तो हीरक मतलब क्या होता है, तो हीरक मतलब भी आप, हीरक मतलब कुछ और हेम मतलब भी आपका स्वर्ण होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 28, यानी कि हीरक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। 29 प्रश्न की ओर बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा आपका कुंज, बाकी सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। 30 प्रश्न की ओर बात करते हैं तो 30 प्रश्न की सही आंसर क्या होगा, तो 30 प्रश्न का सही आंसर होगा आपका सी होगा, बाकी सभी बादल की पर्यायवाची हैं। 31 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 31 में क्या है, तो प्रयुक्त संधि का सही नाम आपको बताना है, तो सन्मार्ग की कौन सी संधि होगी, तो सन्मार्ग की आपकी सही संधि कौन सी होगी, व्यंजन होगा। आप आगे बात करते हैं 32 की, तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि होगी, तो ज्ञानोदय में आपकी स्वर संधि होगी। प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं तो निराधार में कौन सी संधि होगी, तो निराधार में विसर्ग संधि होगी, निराधन आधार। बात प्रश्न 34 की बात करते हैं तो किस में विसर्ग संधि है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, अतेव में विसर्ग संधि है। 35 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सत्कार में आपकी व्यंजन संधि है, यानी कि सी। आगे बात करते हैं, इसमें से आपको क्या बताना है, समास के नाम बताना है। पीताम्बर, प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो पीताम्बर कौन सा समास है, तो पीताम्बर आपका बहुव्रीहि समास होगा, कृष्ण का जो वस्त्र है वो पीता पीला अंबर है। इसमें कन्फ्यूजन है, तत्पुरुष भी माना जाता है इसको, लेकिन जहाँ पे तत्पुरुष और बहुव्रीहि में कन्फ्यूजन हो तो बहुव्रीहि लगाया जाता है, आपको याद रखना है। चरण कमल की बात करते हैं तो चरण कमल की बात करते हैं तो इसमें आपका सही आंसर होगा आपका कर्मधारय समास होगा, चरण कमल के समान है तो तुलना बताई जा रही है। आगे बात करते हैं घुड़सवार, तो घोड़े पे सवार, तो इसका सही आंसर होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, तो इसका सही आंसर होगा आपका द्विगु समास, यानी कि गिनती है। आगे बात करते हैं गर्भशून में कौन सा समास हो सकता है, तो गर्भशून में आपका करण तत्पुरुष होगा। आगे बात करते हैं, सही विकल्प चुनना है इनमें से आपको, जो एक शब्द चुनना है आपको। 41 प्रश्न की बात करें, जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो इसका सही आंसर होगा आपका वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो, तो इसका सही आंसर होगा समदर्शी,
सॉरी समदर्शी नहीं प्रियदर्शी होगा, जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी होगा, जो देखने में समान लगता है उसका क्या होगा, समदर्शी होगा। एहसान ना मानने वाला, तो एहसान जो नहीं मानता है वो क्या कहलाता है, तो वो कृतज्ञ कहलाता है। जो एहसान मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं, तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। और वहीं 45 की बात करते हो, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, तो बचपन और जवानी की अवस्था के बीच की वह संधि कहलाती है। अब बढ़ते हैं 46 से 50 प्रश्न की ओर। तन को कपड़ा, ना खाने को ना को रोटी, तो किसके लिए, खाने को रोटी। अब बात करते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका सही आंसर ये मुहावरा है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार क्या थे, तो करुणा के साक्षात्कार आपके विग्रह थे। अब वहीं 49 की बात करते हैं, तो इनमें से पुल्लिंग नहीं है, तो देखिए वायु तेज चलती है, ये आपकी क्या होगी, इसमें से पुल्लिंग नहीं है, तो ये आपका वायु इसके सही आंसर होगा। प्रश्न लास्ट की ओर बढ़ते हैं, तो चुनाव क्षेत्रों के समय विभिन्न विभिन्न के क्या किया जाता है, परिसीमन किया जाता है। तो ये रहे हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि बीएड की परीक्षा में आए थे। जो लोग बीएड का फॉर्म भरे हैं इस बार एंट्रेंस के लिए, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यूपी के तथा आसपास के जितने ज़िले हैं एमपी बीएड तथा अन्य बीएड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो है यूपी SSSC के कोई भी एग्ज़ाम तथा यूपी PSS के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।